ओम शांति थैंक्स बाबा का जो मुझे यह सब अनुभव सुनाने का मौका दिया है मेरा नाम कुसम है मैं सत्रह अठारह में आई थी सेंटर में क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है और मेरा मकान सेंटर के सामने ही है यह मेरा पोता है और मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है बहुत चढ़ाव और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं मेरे जीवन में जवान जवान दो लड़के मेरे चले गए मेरा पति मेरे उसको छोड़ के चला गया बस एक बेटा रह गया था तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, परेशानियाँ आई हैं बहुत ज़्यादा मैं उसमें चली गई थी डिस्परेंस में चली गई थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी दवाइयाँ बहुत सारे डॉक्टरों ने लिख दी बहुत ऐसी दवाई ऐसी कोई नहीं थी दवाई जो मैं नहीं खाती थी हर चीज़ की दवाइयाँ खाती थी मैं कोलेस्ट्रॉल की खाती थी बीपी की खाती थी हार्ट की खाती थी ऐसे कोई दवाई नहीं थी जो मैं नहीं खाती थी और कई बार ऐसे भी होता था मैं भूल जाती थी दवाई खाने भी कौन सी दवाई कब खाना है मतलब इतनी दवाइयाँ मेरे को डॉक्टरों ने बांध दी थी मतलब आजीवन भर दवाई खानी है तो परेशानियों की वजह से घर में रहती थी तो सारा दिन रोती रहती थी परेशान रहती थी दुखी रहती थी बहुत ज़्यादा तो किस किसी ने कहा कि आप ऐसा करो हम सिरसा जाते हैं बाबा के पास आप मेरे साथ सिरसा चलो तो वहाँ जाओगे तो आपके सारा कष्ट दूर हो जाएंगे परेशानियाँ दूर हो जाएंगे आप ठीक हो जाओगे तो उसके कहने से मैं सिरसा चलेगी उन्होंने नाम दाम दिला दिया मेरे को मैंने नाम दाम लिया और वहाँ से मैं आ गई उसके बाद भी परेशानी मेरी ख़त्म नहीं हुई उन्होंने जो मंत्र दिया था मुझे पढ़ने के लिए मतलब डेली रात दो बजे के करीब करना होता था जब भी मैं वो करने बैठती थी तो मेरा दिमाग वहाँ से हिल जाती थी मतलब लास्ट टाइम मेरे को परमात्मा के जगह मेरे को वही राम जी दिखाई देते थे उसका नाम मैं ये सोचती थी कि मैं देधारी का या कैसे याद करूँ वो तो देधारी है और देधारी को तो मैं याद करना मैं मेरे को पसंद नहीं था क्योंकि जब भी उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आता था मेरे अंदर गलत विचार आते थे गलत धारणाएं आती थी तो उसकी वजह से मेरा दिमाग हट जाती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था वह सब तो ऐसे होते होते एक दिन ये सेंटर हमारे आने के बाद ही बना है मेरे सामने ही बना है सेंटर तो एक सेंटर बनने के बाद जब दीदी यहाँ पर आई तो दीदी ने मेरे को बोला कि आप यहीं सामने रहते हो तो आप सेंटर क्यों नहीं आते भी सेंटर आओ और आप सीखो भी यहाँ पे क्या सिखाया जाता है परमात्मा के बारे में क्या बताते हैं हम तो आ, आप आओ तो मैंने कहा हाँ दीदी हम आएंगे ऐसे बोल के मैंने एक दो दिन ऐसे हम टाल करते रहे हम आए नहीं तो धीरे 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 मैंने ना यहाँ कॉलोनी में एक दुकान खोल रखा था किराए पर लिया हुआ था दुकान तो किराए पर वहाँ पर मैं जाती थी डेली सुबह जाती थी तो ऐसे जाने लगी तो जो मकान मालकिन थी जिसके हमने किराए पर मकान लिया था दुकान लिया था तो वो भी यहाँ सेंटर में आती थी डेली तो उसकी मैं सेंटर में तो आई नहीं दीदी ने मेरे को दो तीन बारी बोला तो मेरे समझ से बाहर था मैं नहीं आई तो वो डेली आती थी कोर्स करने के लिए कोर्स भी किया उसने तो जब भी यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होता था कोई प्रोग्राम होता था तो वो मेरे को कहती थी आप चलते हैं तो वो साथ लेके आती थी मेरे को तो मैं आती थी दुकान बंद करके अब जब मैं दुकान बंद करने लगी तो दुकान जो सामान लेने आते थे तो दुकान पे उनको दिक्कतें होने लगी कि ये दुकान बंद करते हैं और चली जाती है आश्रम में और ये दुकान पे हम सामान लेने आते हैं तो दुकान खुली नहीं होती बंद होती है तो ऐसे ही चलता रहा लगातार चलता रहा चलता रहा फिर दीदी ने मेरे को कोर्स करवाया जैसे ने दीदी ने मेरे को कोर्स करवाया और उसमें बताया सब कुछ कैसे ऐसे होता है परमात्मा कौन है क्या है हम आत्मा है, हम शरीर सब कुछ जब उन्होंने बताया मेरे को जब भगवान का परिचय मिल गया मुझे उनकी पहचान मिल गई तो मुझे विश्वास हो गया क्योंकि हम भी बहुत मंदिरों में जाते थे बहुत व्रत रखते थे तीर्थों पर जाते थे ऐसा कोई जगह नहीं था दुखी के होने के कारण ऐसा कोई जगह नहीं था जो मैं नहीं छोड़ी हूँ सब जगह जाती थी मैं तो जब मुझे वो पाठ पढ़ाया गया जब मुझे वो सारा वो बताया दीदी ने तो मेरे को वो समझ आ गई कि हाँ परमात्मा यहीं आ रहे हैं, यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता मेरे को परम, और मैं कहीं अब जा भी नहीं सकती तो मैं धीरे 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 मैं उसके साथ डेली यहाँ आने लगी मैंने सात दिन के कोर्स किया सात दिन के कोर्स करने के बाद मैं फिर मुरली डेली सुनने आने लगी हूँ और मैं दुकान पे धीरे 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 ऐसी बंद होने लगी दुकान तो मैंने धीरे धीरे वो मेरी ना दिलचस्पी दुकान से हट गई बिल्कुल ही क्योंकि अगर मैं दुकान में बैठी होती थी यार यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता तो मेरे अंदर ना खलबली मचती थी कि मैं दुकान में बैठी हूँ और वहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं तो मैं दुकान धीरे 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 करके मैंने वो दुकान बंद कर दिया मैंने कहा नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा तो मैंने दुकान बंद कर दी और मैं सेंटर से ही जुड़ गई और तब से लेके मेरे को पाँच साल छः साल हो गए हैं तब से मैं सेंटर से जुड़ी हूँ और परिवर्तन इतनी होगी कि जो डब्बा मेरी दवाई की थी वह दवाई की डब्बा मेरी खाली हो चुकी है अब मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ सब दवाई मेरी ख़त्म हो चुकी है मेरी जो तबीयत खराब रहती थी वह तबीयत भी मेरी ठीक होगी अब मैं मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं रहती परिवार में हमारा छोटा सा परिवार है दो पोते हैं एक बहू एक बेटा है वो सब भी मेरे साथ साथ मेरे साथ ही जुड़ गए हैं अभी ये पोता मेरा सेवा करवाता है दूसरा है वो भी सेवा करवाता है ये अभी मुरली नहीं सुनते हैं लेकिन कोरस तो इन्होंने किया है मेरी बहू ने भी कोरस किया है थोड़ा टाइम उसने लगा ही है लेकिन कुछ कारण की वजह से उसने आना छोड़ दिया है लेकिन हाँ उनका जो है मेरी वजह से उन्होंने सब कुछ लहसन प्याज जो भी खाना होता था घर में चलता था वह सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने खाना पीना नहाने धोने की शुद्धि और खान पीन की शुद्धि ये सब कुछ उन्होंने वो कर दिया मेरे उसमें वो रह के मतलब हर चीज़ मेरे मुताबिक चलता है घर में आज तक मेरे को किसी ने कोई रोका नहीं कोई टोका नहीं है बहू है वो मेरे को बहुत सहयोग देती है मेरा साथ देती है जब भी प्रोग्राम फंक्शन होता है मेरे को यहाँ पूरा पूरा दिन लग जाता है सेवा में लेकिन वो कभी नहीं कहती कि हाँ मम्मी आप इतना टाइम लगा कर आइए या, या कुछ है। वो पूरी की पूरी तरह मेरी सहयोग करती है बेटा है उसने भी कभी आज तक मुझे नहीं टोका कि हाँ आप सेंटर क्यों जाते हो क्या करते हो वहाँ जा शुरू शुरू में थोड़ी उलझने हुई थी भी हाँ परेशानियाँ हुई थी लेकिन धीरे धीरे वो बादल की वो से हुआ वो छट चुके हैं अब मेरे को कोई रोकता नहीं है टोकता नहीं है सब परिवार हमारे खुश हैं परिवार सब ठीक हैं और कोई ऐसी परेशानियाँ भी घर में नहीं हैं देखो बहुत से घरों में मैंने देखा है कि इतनी बीमार होते हैं उनके बच्चे परिवार वाले इतने बीमार होते हैं डॉक्टरों के पास कितनी कितनी रकम लगा देते हैं कितनी कितनी दवाइयों पे पैसे फूँकते हैं लेकिन बाबा की कृपा से आज तक जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ हमारा परिवार खुशहाल रहा कभी ऐसा कोई दुख ऐसा कोई कष्ट ऐसा कोई वो नहीं दिया कि हाँ हम डॉक्टरों के पास पैसे फूँके या कोई वो करें मतलब हर चीज़ से हमें खुशहाल रखा है परमात्मा ने और हम खुश हैं और ये छोटा सा परिवार मेरे वजह से जो परिवर्तन हुई है घर में सबका जो से उन्होंने त्याग किया है मेरे वजह से उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बेटा है मेरे बहू है मेरे पोते हैं मेरे हिसाब से चल रहे हैं और मेरे कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ अपना त्याग किया है तो उनका मैं बहुत शुक्रवादा करती हूँ और बाबा का भी बहुत 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 शुक्रिया बाबा का मैं हमेशा जब तक जीती हूँ तब तक मैं परमात्मा से यही कहती हूँ कि जब तक मैं जी तब मैं तब तक मैं परमात्मा की सेवा करूँ तन से मन से जैसा भी मेरे से होता है मैं सेवा करूंगी और बच्चों को भी अपने इसी नाल में लगा कर रखूँगी और यही मैं सबसे कहती हूं कि जिसको भी कोई कष्ट हो कोई मुसीबत हो कोई दुख हो वो कभी न कभी ये परमात्मा से अगर जुड़ेंगे तो हर चीज़ से मुक्त हो जाएंगे हर हाँ दुखों से छूट जाएंगे हर दवाइयों से बच जाएंगे वो तो हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा से जितनी भी ज़्यादा हो सके परमात्मा से जुड़ें और सेंटर में आए अपना और सेंटर में आके सात दिन के कोर्स करें और अपना भाग्य बनाएं ओम शांति